छह महीनों की गाड़ी खड़ा कर दीजिएगा, इसको खोल दीजिएगा, बैटरी कुछ नहीं होगा। रॉयल एनफील्ड लवर्स को काफी पसंद आ रहा है और ये वाला हेलमेट फ्री में मिला है। बाकी अब बाइक लेना है और चलना है। रघुराम ऑटो केयर का बजट इतना हिल गया है कि गार्ड सर से यहाँ पे हैंडल टाइट करवाया जा रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में। और आज है बुधवार, आज बहुत ही स्पेशल डे है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह, कुछ सरप्राइज होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं। सो हम लोग आए हैं आज रॉयल एनफील्ड के शोरूम में न्यू बाइक लेने के लिए भैया का। सो गाइस, तो आप लोगों के लिए जो सरप्राइज था वो सरप्राइज यही होने वाला है कि हम लोग ले रहे हैं एक न्यू बाइक, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जो बिल्कुल आपके सामने है। सो गाइस, तो बाइक लेने से पहले जो प्रोसीजर है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और साइन वगैरह, तो वो अभी चल रहा है, भैया कर रहे हैं, उधर लगे हुए हैं वो लोग। तो जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद फिर हम लोग डिलीवरी लेंगे। तो मैं से पूछते हैं गाड़ी कैसा लगा बताइए। गाड़ी बहुत ही अच्छा है, नया में है, स्टाइलिश है। हम लिए थे 2 साल पहले। हाँ, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन ज़्यादा है इसमें। हाँ, चेंज किया है। हाँ, कलर तो अभी नया है। साथ ही में इसका मीटर कंसोल चेंज है। जैसे बहुत पहले से कंप्लेन आ रहा था रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स का कि उसमें फ्यूल का जो मीटर है वो काम करता है, लेकिन जो नया मॉडिफाइड रॉयल एनफील्ड ये वाला आया है जिसमें ये जो फ्यूल का फ्यूल का दिया हुआ है, फ्यूल इंडिकेटर दिया हुआ है, लोगों को रॉयल एनफील्ड लवर्स को काफी पसंद आ रहा है। तो मयंक इतना सारा डिटेल दे रहा है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड है और ये चला रहा है, यूज कर रहा है और अभी भैया ले रहे हैं। और स्पेशल जो सरप्राइज था वो यही था कि आज हम लोग रॉयल एनफील्ड का एक नई बाइक लेने के लिए आए हुए हैं और वो बाइक है वो ये है। और मैंने ये गाड़ी का भी टेस्ट ड्राइव लिया हुआ था तो मेरे और अपने गाड़ी को भी चलाया हूँ तो दोनों का एक्सपीरियंस है मुझे। तो बताता हूँ कि इस गाड़ी का जो वाइब्रेशन है हैंडल का वो पहले वाले बाइक से और ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया है और साथ ही और ज़्यादा स्मूथ कर रहा है। और इसके साथ ही ये सब जो स्विचेस वगैरह है वो थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा स्टाइलिश किया है। तो पहले वाले में जो आता था वो काफ़ी पुराना था, इसमें कुछ ये स्विच जो है तो थोड़ा डिफरेंस है ना पुराने वाले से। और काफ़ी स्मूथ चलता है गाड़ी और वाइब्रेशन भी इसमें कम है, 100+120। आपका बाइक और इसमें क्या क्या चीज चेंज है? मेन तो एक है फ्यूल, एक फ्यूल इंडिकेटर इंडिकेटर का है, दूसरा है इंजन। इंजन में क्या हम लोग वाले में था वो FI इंजन था। अच्छा, तो यहाँ पे एक कार्बोरेटर लगा हुआ था। अच्छा, वो इसमें हटा दिया था। और तो इसका आपका तो BS4 होगा ना? BS6 ही है। BS6 है, बाकी सब तो वही। तो लुक वाइज बाइक कुछ इस तरह है। हाँ, कलर तो ये कलर अभी जस्ट लेटेस्ट है, इसका एक और वर्जन है जो कि रेड कलर का आता है, क्रोम के जगह में रेड है वो। तो अभी जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था बाइक का वो सारा कंप्लीट हो चुका है, भैया लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी अब बाइक लेना है और चलना है। तो अभी सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, उधर पेमेंट हो रहा है। और हम लोग अभी एक बाइक लेने के लिए आए थे लेकिन सूरज भैया को यहाँ पे दूसरा बाइक पसंद आ गया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा बाइक है। हैंडल लॉक है ना? नहीं है। तो ये है, और सूरज भैया को ये बाइक पसंद आ गया है, स्क्रैम 411। ये हिमालयन का है, अभी स्क्रैम नया आया हुआ है ये बाइक, इसको लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, अभी बात तो चल रहा है, अब देखते हैं बात कहां तक आगे पहुंचता है। तो अभी बाइक का एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाया हुआ था वो नीचे अभी खुल रहा है, वो एक्स्ट्रा एसेसरीज लेने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि हम लोग सोच रहे हैं वो बाहर से लगवा लेंगे क्योंकि शोरूम में बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहता है। तो अभी हम लोग का जितना भी एसेसरीज था वो खुल रहा है, उसके बाद बाहर से कहीं लगवा लेंगे या फिर किसी और दिन लगाएंगे। और अभी हम लोग थोड़ा बाहर आए हैं शोरूम से और बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है क्योंकि अंदर है गर्मी बहुत ज़्यादा। ये रही बाइक, अभी रेडी हो रहा है इसका, ये खुलेगा अभी, बस 15-20 मिनट लगेगा, बाइक पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर डिलीवरी लेंगे हम लोग और फिर यहाँ से निकल चलेंगे। रघुराम ऑटो केयर का बजट इतना हिल गया है कि गार्ड सर से यहाँ पे हैंडल टाइट करवाया जा रहा है, इसको थोड़ा शेयर किया जाए इस वीडियो को।
रॉयल एनफील्ड वाला का हाल अभी ऐसा हो चुका है। तो गाड़ी अभी फाइनल हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग के ध्यान में आया कि बुलेट से भी की हटा दिया गया है और सिर्फ सेल्फ है इसमें, सिर्फ सेल्फ से ही स्टार्ट होगा, नहीं होगा ना बैटरी, की हटा दिया ना। अब कोई भी मॉडल में नहीं आ रहा, सिर्फ इलेक्ट्रो ठीक नहीं होने चलते थोड़ा सा निराश लग रहा है, ठीक है लेकिन मैनेज कर लिया जाएगा। हम भी ध्यान नहीं दिए थे, आप दिए थे। वह भी है कि नहीं इलेक्ट्रा में, इलेक्ट्रा में किक है, बस इलेक्ट्रा में किक है, बाकी जितना भी बुलेट अभी आ रहा है सबसे किक हट चुका है। और ये रॉयल एनफील्ड का गोडाउन है जहाँ पे हम लोग अभी हैं। बाइक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सीट लग रहा है, बाइक का जो लुक है बिना रेयर सेट में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी लग जाएगा रेयर सेट, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर ऐसा दिखेगा। तो अभी बज चुके हैं 6:06 जाके सारा कुछ कंप्लीट हुआ और ये वाला हेलमेट फ्री में मिला है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो नीचे चलते हैं अभी क्योंकि बाइक नीचे लगा हुआ है, तभी से बैठे बैठे हम लोग बोर भी हो गए बहुत ज़्यादा। एक घंटा बोल के लगभग 2.5 घंटा तो वेट करवाइए दिया। नीचे इधर बाइक है तो अभी ले चलते हैं आप लोग को। आपका ये 6 है ना 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ, जैसे गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है इसमें से, इसमें तीनों में से किसी को निकाल कर चेक कर लीजिएगा। ओके, जैसे मान लीजिए हॉर्न नहीं बज रहा है, देखिए यहाँ पे हॉर्न दिया हुआ 10 नंबर ठीक है। और बाई चांस कभी कभी जैसे कि अगर ये ढीला भी हो जाता है ना तो इसको दबा दीजिएगा हॉर्न पे। लाइटिंग का 15 है, हॉर्न का 10 है, मेन फ्यूल का देखिए यहाँ पे 15 ही। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये नहीं दिया हुआ है आपको, मतलब उसी तरह रिपेयर के हिसाब से आप चेक करते हैं। ठीक। तो बाइक की डिलीवरी हो चुकी है, अब भैया लोग जा रहे हैं घर, घर जाएंगे फिर पूजा वूजा होगा बाइक का। नहीं वो हो जाता है एडजस्ट यहाँ पे, होगा आइए छुट्टी निकाल के एकदम। ठीक है, चलो ठीक निकालिए, चलिए। ठीक है, हाँ भाई। तो अभी बाइक वाइक सब परचेज हो चुका है, भैया चले भी गए लेके। तो बस आज का वीडियो इतना सही था, होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो फाइनली अब मैं ऑफिस भी आ चुका हूँ, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और ब्लॉग में, तब तक लीजिए जय भारत।